We have with us Mrs Sampada Vipat. Welcome ma'am. कैसा लगा आपको ऐसा एन सी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है. स्टूडेंट माहौल बहुत अच्छा है. मुझे आपके सर मिस्टर सुभाष जी घटना जी बहुत कोऑपरेटिव है. ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा है. पूरी टीम बहुत अच्छी है. तो प्लीज़ आपके बारे में बताइए. आप आपका म्यूजिक करियर कब से शुरू हुआ? कितनी साल की थी जब आपने फर्स्ट टाइम म्यूजिक करियर की शुरुआत? तो ऐसे मतलब बहुत लेट शुरू हुई. लेकिन मैं जब 7 साल की थी तो मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया. जो वैसे ही अभी अच्छी उसके बाद मैंने ऐसे ही सीखती रही. मैं करियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद मैंने मेरा पहला जो शिक्षा है जी जी तो सुधा जी भैरव जी पास मैंने पढ़ना शुरू हुआ. उसके बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से ललित कला केंद्र है जी जी तो मैंने एमए डिग्री पास कर दी जी. उस टाइम मैंने डॉक्टर विकास जी का साथ जो था उन्होंने गाइडेंस किया. वहाँ से मेरा संगीत का करियर जो है शुरू हुआ. एमए के बाद मैंने पंडित खेड़े जी के पास मैंने तालीम शुरू कर दी. जयपुर घर जी जयपुर अतरौली घराना होते हैं तो वो घराने का तालीम थी. मतलब वो घराना मतलब एक विजिट थी जी. तो उस तालीम के बाद एक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में एक जो डेप्थ होती है जी तालीम की डेप्थ जी जी तो वो मुझे उनकी मतलब इन्फ्लुएंस है. जैसा आपने बताया आपके इतने गुरु थे तो इतने लोगों से आपको इतना एक्सपीरियंस तो आपने कैसे कोप किया? इतने सारे गुरु आपको इतनी चीज़ सिखा रहे थे. आपकी सिंगिंग में किस हिसाब से और किस पेस पे आपने ये सीखना शुरू किया? अच्छा क्वेश्चन है. एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपकी तबीयत से जो सूट करता है उतना ही ले लेगा. जो नहीं सूट करता तो नहीं सूट करता. लेकिन जो सूट होता है आपके हिसाब से और आपको जो मतलब आपको जो अच्छा लगता है उनके पास वही सिर्फ सीखना. और बाकी का जो रहता है तो उसे ठीक है उस आप मतलब हम अदर करते हैं लेकिन वो ठीक है. ये मेरे लिए नहीं. ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक की अपनी अपनी स्टाइल रहती है और टोटली हम एक दूसरे जैसे गा नहीं सकते. वो और गाना वो, मतलब ये बराबर भी नहीं है तो वो जेरॉक्स कॉपी हो. तो कुछ अपना उसमें स्टाइल होना चाहिए. अपना कुछ थिंकिंग होना चाहिए तो ही वो उसका उपयोग है. मैम आप प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा राग गा के सुना दीजिए. तो आप SIMC में आई हैं तो आपके ये इवेंट में आने की क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट से आपसे? अपेक्षा इतनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले अच्छी तरह से ये लिसन करें क्या सब्जेक्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की कल्चर क्या रहता है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है ये अच्छी तरह से पहले वो सुने. पहली बात ये है. और मेरी तरह से ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनसे मतलब मैं शेयर कर सकूँ ऐसी मुझे ये है उम्मीद है. थैंक यू मैम. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर कमिंग टू एसआईएमसी.